आंध्र प्रदेश के कमलूर जिले में थी एक माह से बंधक। स्थानीय पुलिस प्रशासन नहीं किया था कोई सहयोग। नारायणपुर एसपी उदय किरण का मिला भरपूर सहयोग। नारायणपुर जिले के कई गांव की बेटियां आंध्र प्रदेश के कमलूर जिले के गांव में लगभग एक माह तक ठेकेदार के चुंगुल में फंसी रही। भाजयुमो प्रदेश उपाध्यक्ष दीपिका शोरी एवं प्रधानमंत्री जन कल्याणकारी योजना जागरूकता अभियान जिला अध्यक्ष पी विजय के संयुक्त प्रयास से आज छत्तीसगढ़ के कोंटा पहुंची, जहां दीपिका एवं विजय के साथ स्थानीय युवकों ने इन्हें खाना पीना खिलाकर नारायणपुर रवाना किया। मिली जानकारी के अनुसार नारायणपुर जिले के चिंतूर के बादशाह नामक होटल संचालक ने अपने घर में भवन निर्माण का कार्य कहकर बुलाया व कमलूर जिले के संतोषी नगर ले जाकर ठेकेदार के हाथों सौंप कर वापस आ गया। ठेकेदार ने उनका शोषण कर रात दिन इनसे कार्य करवाया जाता, जिससे ये सभी बहुत परेशान हो गयी। इन सभी मजदूरों के मोबाइल एवं आधार कार्ड भी ठेकेदार के द्वारा जब्त कर लिए गए थे, जिसके कारण ये लोग किसी से भी संपर्क करने में असमर्थ थे। इन सभी मजदूरों ने बताया कि इनकी प्रताड़ना से तंग आकर स्थानीय पुलिस थाना संतोषी नगर में जाकर अपनी परेशानी बताई, परंतु उन्होंने किसी भी प्रकार से उनका कोई सहयोग नहीं किया। इन महिलाओं ने ये भी बताया कि कार्य करने के बाद रात में हम छत पर सोते थे, परंतु ठेकेदार के द्वारा हमसे छेड़खानी की जाती थी और गलत काम करने का प्रयास भी किया। जब हम सहमत नहीं हुए तो हमारे साथ मारपीट भी की गई। इसके बाद डर कर हम सब एक दूसरे के साथ साथ सोते थे। एसपी नारायणपुर उदय किरण मोबाइल पर चर्चा करने पर उन्होंने कहा कि इस विषय से मुझे सूचना मिली थी कि मैंने एसपी कर्नूर सुधीर कुमार रेड्डी से बात कर नारायणपुर के इन सभी मजदूरों छत्तीसगढ़ वापसी की व्यवस्था करवाई। ये जो पीछे आपके मजदूर खड़े हैं, इनके साथ क्या घटना हुई थी और कैसे आपको जानकारी मिली थी? विशेष सूत्रों से मुझे जानकारी मिला था कि नारायणपुर क्षेत्र के लोग कर्नूर जिला जो आंध्र प्रदेश में मजदूरी के नाम से महिलाएं और पुरुष गए हुए थे, विगत एक महीना से वहां पर अपनी मजदूरी देते हुए वहां के काम करने जो ठेकेदार है उनके द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा था और मारपीट किया जा रहा था, उनका मोबाइल छीना जा रहा था, समय पे भोजन ना देना, ऐसा मुझे जानकारी मिलने के बाद मैंने तुरंत नारायणपुर जिला के एसपी साहब से बात करके और एसपी साहब को इसकी जानकारी दिया गया था और उन्होंने कर्नूल के एसपी आंध्र प्रदेश से सूचना देकर तत्काल मजदूरों को वहां के उनका जो काम किए उनका वेतन भुगतान करके आज कोंटा में उनको छोड़ा गया है। नाम है आपका? शांति। कहाँ पे आपका घर? बंजपे। कहाँ पड़ता है बंजपे? कोंडागांव जिला। अच्छा, तो कहाँ पे ले गया था आपको? कोंटा में बोल के हम लोग को बुलाया, भाषा सिंदूर सिंदूर में काम करोगे बोल के बुलाए, उसके बाद कर्नूल में हम लोग को लेके गए। अच्छा, और वहाँ के आपों के साथ मारपीट होती थी? मारपीट भी होती थी। मोबाइल भी छीन लिया? मोबाइल भी, आधार कार्ड सबको, जब पैसा वैसा हाथ में था पैसा को भी जब्त किए थे। अच्छा अच्छा, तो इस संबंध में आप लोग वहाँ स्थानीय थाना में नहीं गए? हम लोग गए थे सर। क्या हुआ थाने में? यहाँ वापस ले गए। क्या बोले? तुम लोग का उधर हमारा एरिया नहीं है बोल के हम लोग यहाँ यही लेके गए। अच्छा, कितने लोग गए थे आप लोग? छह लोग। ठीक। दीपिका जी, जैसे लगातार बस्तर की महिलाएं या बस्तर के मजदूरों को आंध्र प्रदेश में लेकर छला जाता रहा है, इसके लिए आप लोग विपक्ष में आप लोग क्या कार्रवाई चाहते हैं? मेरे पीछे सारी युवतियां हैं और सारी आदिवासी समाज की युवतियां और ये कोंडागांव और नारायणपुर ऐसे कई जिलों की युवतियां, ये मामला हमारे सामने है इसलिए हम कह सकते हैं, क्योंकि ये सारी युवतियां और आदिवासी क्षेत्रों से हैं तो इनका शोषण है, ये मानव तस्करी की श्रेणी में आता है जो कि गैर कानूनी है और इनके माध्यम से शारीरिक देह व्यापार हो गया, शारीरिक शोषण हो गया जो कि बिल्कुल गलत है, समाज पे इसका बहुत गलत प्रभाव पड़ता है। मैं चाहूंगी जो भी इनको ऐसे बाहर ले जाता है एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र राज्यों में, इनका जो बंधुआ मजदूर की जो श्रेणी में आता है ऐसे काम करा रहे हैं, इनके ऊपर बिल्कुल भी रोक लगनी चाहिए और मैं चाहती हूं उनके पीछे जो भी है उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। साथ ही साथ हम लोगों के जो हम समाज के जो प्रमुख हैं उनको भी ऐसी कैंपेनिंग की आवश्यकता है, इनमें जागरूकता फैलाने की आवश्यकता है। अच्छा, और जैसे देखा गया ज्यादातर महिलाएं आदिवासी वर्ग से आती हैं, तो एक नहीं कि इस दिशा में कोई विशेष अभियान चलाया जाए जिससे इन्हें बोली भाषा का भी ज्ञान हो, दूसरे क्षेत्रों में ना जाए इस बात की भी जानकारी दी जाए?
बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन अभी वर्तमान परिस्थिति को हम देखें तो ऐसी कोई भी कैंपेनिंग या प्रचार प्रसार के माध्यम से इनको ऐसा कोई हम नहीं दे पा रहे हैं कि इनको भाषा बोली, क्योंकि इनमें जो आंध्र प्रदेश की जो भाषा बोली जाती है तेलुगु या कन्नड़, इनको वो समझ नहीं है और ये अपनी बातों को अपनी पीड़ाओं को रख भी नहीं पा रहे हैं हमारे सामने। बहुत मुश्किल से काफी लंबे समय बात करने पर पता चला कि इनको इनका मोबाइल छीन लिया गया, इनको मारा पीटा गया, इनके साथ मिसबिहेव किया गया, दुर्व्यवहार जो होता है महिलाओं के साथ, और ये बताने में भी बहुत ज्यादा समर्थ नहीं है। हम लोगों ने बहुत कोशिश करके इनके बारे में जाना। समय न्यूज के लिए सुकमा से संजय सिंह भदौरिया की रिपोर्ट।